पांच मैं जीता था, आप लोग आए तो हार गया। मुझे यही लग रहा है कि वो हमारी हम ही है, मनुष्य है। नहीं, लेकिन वो ये है कि एक टीम कांस्टेंट पांच दफ़ा से जीती आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी हमारी, लेकिन वो ये कि बैटिंग बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग स्कोर इसको पड़ा है। अगर ये कैच भी पकड़ लेता तो मैच हमारे हाथ में था। मैच था आज का स्कोर जो ना 200 रन पाकिस्तान को बनाना चाहिए था, पाकिस्तान ने 170 रन बनाया, बहुत ही शार्ट स्कोर था ये पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान ये स्लो ना खेलता, 10 ओवर के बाद पाकिस्तान ने स्लो किया जिसकी वजह से। तो दोस्तों आप आगे देखेंगे पाकिस्तान के कुछ रिएक्शन है बिफोर मैच आफ्टर मैच, हालांकि एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और भी वीडियो आएंगे तो और अच्छा अपलोड किया जाएगा वीडियो बहुत जल्दी इसी चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान ये मैच हार गया, हालांकि पाकिस्तान अच्छा खेला इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेला, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है ये मतलब वर्ल्ड कप जीतना डिज़र्व करता है, ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए ये वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से। मैं पर्सनली इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया को स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आपने देखा इंडिया के लिए कितने वो सपोर्टिव रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्पेशली कोविड की टफ कंडीशन के बाद भी वो आईपीएल के लिए सारे अवेलेबल थे, तो इसलिए मैं मतलब वार्नर, डेविड वार्नर मेरे फेवरेट हैं। तो गाइज आपके क्या कॉमेंट है इस मतलब टॉपिक पर, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पाकिस्तान हार गया वो तो अभी आप इनका ही जो विश्लेषण है वो सुने, मेरा विश्लेषण आप वीडियो के लास्ट में सुनना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तमाम लड़कियां लाहौरी गुड़िया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर स्पोर्ट्स पर पंजाब में, जहाँ पर क्राउड जो है वो आना स्टार्ट हो गया, और तमाम लोग बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं और बहुत एक्साइटिंगली वेट कर रहे हैं कि कैसे मैच शुरू होगा। हमारे साथ यहाँ पे लड़कियाँ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से जो है वो मैच को इन्जॉय कर रही हैं। बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग तकरीबन 6 आवर्स का ट्रैवल करके हम लाहौर आए हैं, सो दैट वी कुड सी इट ऑन बिग स्क्रीन, और पूरे सर्दियों में शिफॉन पहन के आए हैं क्योंकि ग्रीन कलर का ड्रेस नहीं था, बट वी आर रियली हैप्पी एंड आई होप कि आज अच्छा रिजल्ट हो। हमारे साथ यहाँ पे एक और लड़की मौजूद है, उसे जान लेते हैं। आज आप मैच देखने आई हैं, क्या एक्साइटमेंट है, कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है, किसे जीतता हुआ देखना चाहती हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही है कि पाकिस्तान जीते, और फेवरेट प्लेयर्स की बात की जाए तो आसिफ अली और बाबर आजम दोनों हमारे फेवरेट्स हैं, और बस रहा नहीं जा रहा कि कब मैच स्टार्ट होगा और कब हम लोग देखेंगे, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, क्राउड जो है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तमाम लोगों की कोशिश है पाकिस्तान जीते, ग्रीन ड्रेसेस भी बनवाए हैं स्पेशल, और 6 आवर्स का ट्रैवल भी करके आए। यहाँ भी इस वक्त बहुत रश है, तमाम लोग जो है वेट कर रहे हैं कि मैच शुरू हो और वो जल्द से जल्द जो है मैच को एंजॉय करें। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सॉन्ग्स लगे हुए हैं और पाकिस्तान के मिली नगमे भी सुने जा रहे हैं, तमाम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और आज लोग एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। सभा हम देख सकते हैं जिस तरह आपने गुफ्तगू की खवातीन से, और बैक साइड पे आपके नाम नजर आ रहा है कि काफी लोग पुरजोश भी हैं। साकिब सैयद इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है F9 पार्क में। साकिब, कैसे इंतजाम किए गए हैं और कितने लोग आए हैं अब तक, कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, जीत के बाद जीत पाकिस्तान की टीम आखिरकार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज जो है बड़ा मैच है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ पाकिस्तान का मैच है। तारीख में बताया जाता है कि मतलब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब तक ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीती। F9 पार्क इस वक्त में हम मौजूद है इस्लामाबाद के सबसे बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, 30x15 की फुट की स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, 2500 के करीब यहाँ पर शायकीन बैठेंगे और मैच को इंजॉय करेंगे। यहाँ पर फैमिली भी काफ़ी इस वक्त आ रही है क्योंकि मैच 7 बजे शुरू होना है। शायकीन आहिस्ता से यहाँ पे आ रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन होंगे, हर मैच में शायकीन बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, लेकिन इस वक्त आज सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन आएंगे और क्रिकेट को इंजॉय करेंगे। शायकीन, हमने थोड़ी देर पहले शायकीन से बात की, उनका यही कहना है कि हम पूरी उम्मीद हैं क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की टीम खेलती आ रही है पिछले मैचेस में, तो उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया से इंशाल्लाह हम अच्छे उससे हम जीतेंगे। जी, पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस टू विन दिस, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान मे लूज द टेस्ट सीरीज हियर, पाकिस्तान मे बी गेट ह्यूमिलेटेड इन द सीरीज ऑफ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आइदर इंग्लैंड टिल द वर्ल्ड कप नाउ, बट पाकिस्तान हैज अ ग्रेटर चांस टू विन इन द वर्ल्ड कप इफ दे गेट द सिलेक्शन राइट। पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट, बट अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने पाकिस्तान टीम का साथ नहीं छोड़ना, वी कांट बी अ बैड लूजर्स, और हमें ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला है,
बट इन्हीं लड़कों ने जिन्होंने हमें होप दी है, उम्मीद दी थी कि हम फाइनल जीत सकते हैं, उनका साथ मत छोड़िए, बी आउट देयर फॉर देम एंड हेल्प देम टू ग्रो इवन फर्दर मोर. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड टू एवरी पाकिस्तानी टू सपोर्ट योर टीम. मेक श्योर दैट यू सपोर्ट देम ऑन द सोशल मीडिया एंड एनी प्लेटफॉर्म दैट यू गेट. सो दे प्लेड वेल, सो स्टे रिलैक्स, वी जस्ट कैन नॉट बी अ बैड लूजर्स. सो वेरी डिसअपॉइंटिंग, रियली हर्ट्स. एक टीम 5 मैचेस जीती है, सेमीफाइनल हारी है, सबसे पहले बताएं दुख कितना हुआ है? नहीं, दुख इस बात पे हुआ है कि हम स्पेशली पाकिस्तान से सेमीफाइनल देखने के लिए आए थे और एक टीम जो कांस्टेंट पाकिस्तान, आप जब नहीं थे तो 5 मैच जीता था, आप लोग आए तो हार गए. मुझे यही लग रहा है कि वो हमारे हम ही मनूस है. नहीं, लेकिन वो ये है कि एक टीम कॉन्स्टेंट 5 दफ़ा से जीती आ रही है, बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी हमारी, लेकिन वो ये कि बैटिंग बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने लूज बॉल्स कराई हैं, फील्डिंग बहुत उस तरह से सही तरह, और हसन अली के आपने ओवर्स देखे हैं. सच बताइएगा, पेन कितनी फील हुई है? पेन स्टार्ट में उस तरह वाली थी जैसे कोनी वाली होती है ना, लक की और वो वाली, और अब तो खैर. ओके, आपकी क्या फील है गेम? मेरी बहुत बुरी, बिकॉज मुझे एंड तक लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि लेकिन उसके बाद जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया और आफरीदी के ओवर में थोड़ी होप थी कि चलो आफरीदी कुछ कर देगा, लेकिन उसके बाद वो जो उसने सिक्सर्स मारे हैं, एंड बहुत बहुत बुरी फीलिंग्स हैं, ऑनेस्टली बहुत डिप्रेशन हो रही है. आप भी इन दोनों की तरह दुखी हैं? जी बिल्कुल हैं, हमारी टीम हार गई है तो दुखी हैं. लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अच्छा खेला, उस पर आपके क्या व्यूज? बिल्कुल, बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला अब तक, बस आज उनका शायद दिन नहीं था. आप भी इस दुखी ग्रुप में शामिल हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत अच्छी टीम है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है शुरू से, और ये लोग थोड़ी और मेहनत कर लेते तो हमारी इतनी बेइज्जती ना होती जितनी आज हुई है. नहीं, गेम में हार देने से बेइज्जती कौन सी होती है? हार जीत तो ठीक है, लेकिन फिर भी जीता हुआ मैच आ रहा है. सॉरी, जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो पाकिस्तानी यहाँ कह रहे थे कि इंडिया को हरा दें वर्ल्ड कप हार जाए, तो इंडिया से भी गेम गेम है, लेकिन आज जीत जाते तो हमें बहुत खुशी होती, क्योंकि हम ऑल द वे पाकिस्तान से आए हैं मैच इंजॉय करने. आप भी सिक्स दुखी कर ले? जी, हम बहुत ज्यादा सैड है, स्पेशली पाकिस्तान से ये मैच देखने के लिए आए, तो जीता हुआ हम लोग मैच आ रहे हैं, जीता हुआ मैच आ रहे हैं, तो आई एम सो सैड. लेकिन आपको लगता है कि इस मैच के अंदर हमारे बॉलर्स का कसूर है या थोड़ा स्कोर कम किया है? नहीं, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बॉलर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो लास्ट उन्होंने कैच ड्रॉप किया है उसका बहुत ज्यादा दुख है. तो आपके इस कमेंट से सारा ब्लेम तो हसन अली पे जा रहा है. देखो, टीम हारती है, प्लेयर तो नहीं हारता, टीम हारी है. जी, आई ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान टीम, लेकिन आज सैड हुए हैं, क्योंकि स्पेशली हम सपोर्ट करने आए थे पाकिस्तान टीम को, क्योंकि इंडिया से जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो ठीक है, दुख है हमें. देखा आपने, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे लोग उनका फेवरेट, आइए उन्हीं से जानते हैं. बाबरा से मेरा फेवरेट प्लेयर, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इस T20 में. पाकिस्तानी टीम को यही बोलूंगी कि उम्मीद तो यही है कि वो अच्छा प्ले करें, जीते, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक. विश वी हैड गॉन टू दुबई टू वॉच द मैचेस, लेकिन हमें मौका नहीं मिला, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. लेट्स प्रे. आई एम वेरी एक्साइटेड, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हार्ड वर्किंग है, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे वो. मैच की तैयारी बस यही है कि घर पे बैठेंगे पॉपकॉर्न के साथ, पॉपकॉर्न खाएंगे और साथ में मैच देखेंगे फैमिली के साथ. हमारी तो कोशिश थी कि हम मैच देखने के लिए जाए, बट टिकट्स नहीं मिले, बट ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट पाकिस्तान. शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और जीत का सेहरा शाहीनों के सर पर ही सजेगा. हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसर बोल रहा हूं जर्मनी से. जी कैसर साहब, कैसे आप? खैरियत से हैं? आज बड़े धीमे लहजे में बात कर रहे हैं. धीमा लहजा इसलिए है कि कल की परफॉर्मेंस देख के, जैसे हिटलर ने जर्मनी की टीम को गोली मार दी थी ना, को गोली मार देनी चाहिए इमरान खान को. ठीक है, इनको सदाए मौत देनी चाहिए, क्योंकि इतने आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, काफी ज्यादा गुस्से में कैसा साहब नजर आ रहे थे. जी कामरान साहब, ये जज्बात है. एक गरीब आदमी हूँ, दुबई में रहता हूँ, लेकिन जो आज पाकिस्तान खेल रहा है वो अल्लाह जज्बात के ऊपर काबू नहीं ला सकता, रख सकता. और मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मैच में लेके चलो, पाकिस्तान के खातिर अगर मैं ये हाथ नहीं काटा ना, इन लोगों के ऊपर अगर मैं छक्के नहीं मारे, तो ये आ जाओ मैं आप लोगों के साथ ये हाथ काट देगा. खुदा के लिए इमरान साहब,
आपके लिए भी मेरा ख्वाहिश है, मैं दुबई में रहता हूँ, खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मौका, हेलमेट डालेगा और ना ग्लव्स डालेगा, इंशाल्लाह इन लोगों को मैं सिखाएगा, ये पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है इन लोगों को मैं सिखाएगा, वल्ला कसम खुदा के इन लोगों ने मेरे को रोने पे मजबूर कर दिया है, ऐसा खेलते है कोई, कसम खुदा के बर्बाद किया इन क्रिकेटर्स ने हमको, सब क्रिकेटर्स ने हमको बर्बाद किया, खुदा के लिए एक मर्तबा मौका दो मेरे को, खुदा के लिए एक मौका दो वजीरे आजम साहब मेरे लिए, एक मर्तबा मौका दो खुदा के लिए, आपके लिए मैं हाथ जोड़ता हूं वजीरे आजम साहब, एक मर्तबा मौका दो मेरे को। वीडियो यहां पर होता है समाप्त। आपने देखा कि एक लास्ट का रिएक्शन जो था ना, मैं ग्लव्स नहीं डालेगा ना कुछ इस तरीके का, एक मतलब जो भी पठान भाई जो बोल रहे थे, पठान मतलब वो पश्तून थे शायद, तो उस लैंग्वेज में बोल रहे थे वो, मतलब मुझे काफ़ी फ़नी लगा। ये बहुत पुराना रिएक्शन है, मैंने हालांकि अपलोड किया क्योंकि वो मुझे रिएक्शन पता नहीं बहुत ही अल्टीमेट रिएक्शन लगता है, हर बार देखता हूँ हंसी निकल जाती है। गाइज़ बहुत सारे रिएक्शन आएंगे डेफिनेटली, अभी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होंगे, अभी कलेक्ट किए जाएंगे और भी रिएक्शन वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होंगे, 2-3 दिन के अंदर आप मतलब देखेंगे इसी चैनल पर। तो गाइज़ स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेटर आकिब जावेद या शोएब अख्तर, इन जैसे क्रिकेटर के मतलब बिफोर इंडिया के बाहर होने के पहले इन्होंने इस तरीके की घटिया घटिया बातें की थी। इवन बुमराह को इन्होंने बोल दिया कि वो क्लब लेवल का बॉलर है, IPL में इसी तरीके के घटिया प्लेयर होते हैं, वो एक फ्लैट पिच के प्लेयर होते हैं, इस तरीके की बातें आकिब जावेद जैसे लोगों ने की थी। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, एडिटिंग कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी कर सकूँ, इतनी अच्छी एडिटिंग आती नहीं है मुझे, तो वो वीडियो भी अपलोड होंगे बहुत जल्दी। चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, हसन अली को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं इंस्टाग्राम पे और हर जगह हसन अली को ही ब्लेम किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ हुआ था मोहम्मद सामी के साथ, लेकिन सामी को लिमिटेड 28-29 लोगों ने गालियाँ दी थी, उसमें कुछ लोगों ने बोल दिया गद्दार, देशद्रोही, इस तरीके के वर्ड यूज़ कर दिए। उसके बाद ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, 3-4 दिन तक ट्विटर पर सामी टॉप पर ट्रेंड करते रहे कि मतलब ये वो, इवन पाकिस्तान के जो विकेट कीपर हैं रिजवान अहमद नाम है शायद उनका या जो भी नाम है, उन्होंने बोला था कि मतलब ट्वीट किया था बाकायदा समी की फ़ोटो लगाकर, रिस्पेक्ट योर स्टार ये और फलाना ठिकाना, भाई अब तू ट्वीट कर इसके बारे में, हसन अली के बारे में। हसन अली को हद से ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि हसन अली की कोई गलती है उसमें, ठीक है भाई कैच छूट जाता है, लेकिन वो कैच जब उसने छोड़ा था या उसके पहले उसने रन खाए थे, तो किसी भी बॉलर का किसी न किसी दिन एक ख़राब दिन होता है, तो हो गया, मैच था। अगर वो फ़कर जमान आखिरी में हिट ना मारता तो फ़कर जमान को भी 17 बॉल पे 17 रन जब बना रहा था, अच्छी खासी गालियां मिल रही थी ट्विटर पर, जैसे ही उसने हिटिंग चालू की वो गालियां वाले गायब हो गए। तो फ़कर जमान ने रन बना देनी, तो 150 तो पाकिस्तान के बन ही रहे थे। उसके बाद शादाब खान, मुझे लग रहा है कि शादाब खान को 2-3 विकेट तो फ्री में मिली है, मतलब वो मिचेल, तो मिचेल मार्स तो चलिए ठीक है उस टाइम पर उन्होंने हिट कर दिया, लेकिन स्मिथ का शॉट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो क्यों मारा उन्होंने, वो बिल्कुल फ्री में विकेट दे के गए। उसके बाद वो डेविड वार्नर, आपने देखा कि वो एज ही नहीं था शायद, हैंडल वैंडल से उनको कुछ फील हुआ होगा कुछ, मतलब जैसे विराट कोहली को आपको याद होगा एक बार आमिर ने आउट किया था, एज नहीं था लेकिन हैंडल की आवाज़ वगैरह ऐसा कुछ आया था, तो वैसा कुछ तो हैंडल की आवाज़ भी नहीं स्नेको में आ रही थी, तो वो डेविड वार्नर ने फ्री में विकेट दे दिया, वो विकेट फ्री में मिला और 2 विकेट तो ये फ्री में मिले। उसके बाद डेफिनेटली मैच बनाया स्टोइनिस ने, स्टोइनिस बड़ी प्लानिंग से खेल रहा था, मतलब धीरे धीरे 10-15-12 रन जितने चाहिए तो रिक्वायर उतनी रिक्वायर रन रेट के हिसाब से खेल रहा था। और फिर मैथ्यू वाइट ने आखिरी में पूरा गेम ही लूट लिया, मतलब जो प्लेयर मुझे लगता है कि डिजर्व भी नहीं करता ऑस्ट्रेलियन टीम में वो हीरो बन गया, तो डेफिनेटली मैथ्यू बेडी इस मैच के ही